यहाँ पर हम कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्सड लीनियर सिस्टम इज e की पावर माइनस टू टी यू टी, यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन। टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स ऑफ टी e की पावर माइनस टू टी यू टी द इनपुट मस्ट बी इक्वल टू, यानी उसका इनपुट कितना होना चाहिए अगर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है टी ई की पावर माइनस टू टी। तो इनपुट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इनपुट निकालने का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में, जैसे कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, यहाँ पर ये दे रखा है इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ इनिशियली रिलैक्सड लीनियर सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो फार्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। अगर हमें इनपुट निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, इनपुट इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाई ट्रांसफर फंक्शन। अब आउटपुट क्या है यहाँ पर? आउटपुट दे रखा है टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी, यानी ये आउटपुट दे रखा है क्योंकि ये हमें प्रोड्यूस करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें निकालेंगे, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/s+2 का होल स्क्वायर, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, डिवाइड बाई ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पर? ई की पावर माइनस टू टी यू टी। तो इसके अकॉर्डिंग, ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर 1/s+2। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक बार इससे कट जाएगा और नीचे की साइड बढ़ेगा 1/s+2। तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, यानी इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 1/s+2। अब 1/s+2 को अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टू टी यू टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर, कंट्रोल सिस्टम आर। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं? जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होते हैं, लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंज देन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर। यानी कि जो फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर में जाएंगे तो लेस सेंसिटिव होता है कंपेयर टू द फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंज, क्योंकि जो फीडबैक जो लूप होता है हमारा, फीडबैक लूप किस तरीके से शो करते हैं हम? जैसे हमारा मान लीजिए एक सिस्टम है, ये जी एक सिस्टम है। अब इसका हमें फीडबैक लूप बनाना है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा यानी कि सी मिलेगा। इनपुट के लिए हम क्या देते हैं? आर इनपुट देते हैं, जैसे कि आर इनपुट हमने दिया। अब यहाँ पर फीडबैक के लिए यहाँ पर समीशन लग दिया हमने, प्लस और माइनस लगा दिया, तो यहाँ से फीडबैक दिया जाएगा वापस, यहाँ से फीडबैक ऐसे तरीके से दिया जाएगा। तो ये फीडबैक का साइन होगा और ये फीडबैक दे दिया हमने। अब इसमें क्या होगा, अगर हम सी डिवाइड बाई आर, अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एम है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन लूप में होता है सी डिवाइड बाई आर। अगर इसको हम क्लोज लूप में करें तो क्लोज लूप में क्या होगा, क्लोज लूप में हो जाएगा 1/(1+gh), ये क्लोज लूप में हो जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड पाथ में ये लेस सेंसिटिव होता है, लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ चेंज टू फीडबैक पाथ पैरामीटर, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में यहाँ पर एच का कोई ज्यादा रोल यहाँ पर दिखाई नहीं रहा है। और इसी को अगर हम, जैसे कि ये तो आ रहा है फॉरवर्ड पाथ में 1/(1+gh), अगर इसको फीडबैक पाथ में देखें तो फीडबैक पाथ में क्या आ जाएगा, ये -gh आ जाएगा ऊपर, यानी फीडबैक, ये तो हमारा आया फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर के अंदर। अगर हम फीडबैक पाथ पैरामीटर में देखें तो ये हमारा आएगा -gh/(1+gh), इसका मतलब फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर में ये लेस सेंसिटिव है। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंज देन द फीडबैक पाथ पैरामीटर। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट
given a response of y of t equal to t e की power minus t, t greater than 0, then the transfer function of system is, यानी system को यहाँ पर transfer function पूछा है, तो जब भी transfer function पूछा जाए system का, तो transfer function का formula क्या होता है, transfer function का formula होता है हमारा, Laplace of output divided by Laplace of input, अब यहाँ पर output क्या है, input क्या है, ये हम देखते हैं, Laplace of output, output क्या है, यहाँ पर output दे रखा है, yt equal to t e की power t, तो इसका अगर Laplace करें हम, तो इसका लाप्लास हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाय s प्लस 2 का s प्लस 1 का होल स्क्वायर क्योंकि t की पावर माइनस 1 है तो s इनवर्स लाप्लास कर दिया हमने तो s 1 डिवाइड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय इनपुट क्या है यहाँ पर इनपुट यहाँ पर दिया रखा है कि ए लीनियर सिस्टम इनवेरिएंट सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट इनिशियली रेस्ट है व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब ut हमने इनपुट दिया और ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 by s इसका मतलब इसको हमने रख दिया 1 by s तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये s ऊपर चला जाएगा s डिवाइड बाय s प्लस 1 का ऑल स्क्वायर अब इसका इनवर्स लाप्लास हम करें तो ये इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा यही हमारा आंसर होगा जैसे कि ये ऑप्शन दे रखा है s डिवाइड बाय s प्लस 1 का ऑल स्क्वायर तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा सिस्टम का यहां पर हम देखें जैसे कि For a tachometer, if theta t is the rotor displacement in radian, तो theta t यहाँ पर rotor का displacement दे रखा है radian में, and e t is the output voltage, और output voltage दिया हुआ है e t, and k t is the tachometer constant in the voltage radian per second, तो ये tachometer का constant है, then transfer function, e s divided by theta s, यानी कि यहाँ पर output का हम Laplace transform करते हैं divided by theta s, यानी input का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए जैसे कि यहां पर आउटपुट दिया हुआ है et इनपुट दिया हुआ है थीटा t तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट और ये et है हमारा ये हो जाएगा हमारा आउटपुट और kt यहां पर कांस्टेंट दिया हुआ है इसका मतलब जो आउटपुट होता है क्योंकि टैकोमीटर क्या करता है टैकोमीटर रोटेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है यानी ET की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हमारी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी d अपॉन dt किसको कन्वर्ट करता है टैकोमीटर टैकोमीटर कन्वर्ट करता है रोटेशन को वोल्टेज में इसका मतलब थीटा t आ जाएगा यहां पर तो आउटपुट आ गया हमारा इनपुट का डिफरेंशिएशन अब यहां पर ये kt क्या दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है इसका मतलब ET की वैल्यू क्या आ जाएगी ET इक्वल टू k टाइम dy/dt थीटा t तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हो जाएगा ES लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लें तो इसका हो जाएगा k का कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट हो जाएगा यानी kt s थीटा s kt s थीटा s आ गया अब इसका मतलब हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ट्रांसफर फंक्शन होता है ES थीटा s तो ES थीटा s इक्वल टू kts हो गया इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा kts तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे क्योंकि ES डिवाइड बाय थीटा s करेंगे तो kts आ जाएगा ये हमारा आंसर है यहां पर हम देखें क्वेश्चन में जैसे कि एरर एसोसिएटेड विद द ईच रेस्पेक्टिव सब सिस्टम जैसे g1 है g2 है g3 है R even E2 E3 the error associated with the output यानी कि G1 के साथ में error हमारी दे रखी है E1 G2 के साथ में error दे रखी है E2 और G3 के साथ में error दे रखी है E3 तो error output के साथ में कितनी error होगी तो output के साथ में error का क्या होगा तो हम देखें यहाँ पर कि output divided by input के according हम देखें output divided by input क्या आएगा G1 G2 divided by G3 अगर हम कैलकुलेट करें यहां पर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट यानी रेस्पॉन्स हमारा होगा तो ये हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी g1 g2 डिवाइड बाय g3 तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहली में एरर देखें तो यहां पर बना रही है एरर दूसरी में एरर देखें इसका मतलब यहां पर भी बना रही है तीसरी में एरर देखिए यानी ट्रांसफर फंक्शन अगर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर भी क्या आएगा g3 की वैल्यू हमने -1 मान ली है इसका मतलब एरर पहले वाले की वजह से क्या आ रही है e1 प्लस दूसरे वाले की वजह से एरर क्या आ रही है e2 और
तीसरे वाले की तरफ से एरर क्या आ रही है, माइनस ई थ्री आएगी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वन बाई जी थ्री है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर फंक्शन है इसका माइनस में आ जाएगा, तो ये एरर हो जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली एरर हमारी आ जाएगी ई वन प्लस ई टू माइनस ई थ्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वी टू एस डिवाइड बाई वी वन एस, यानी कि वी टू का आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आएगा, इसका मतलब हम कहें ये क्या है हमारा आरसी सर्किट है एक तरीके से, यानी ट्रांसफर फंक्शन आरसी सर्किट का क्या होगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा वी टू एस डिवाइड बाई वी वन एस, इसे कैलकुलेट करें तो वी टू एस क्या होगा, वी टू एस होगा यहाँ पर आर प्लस, जैसे कि ये हमारा सी वन है, ये आर है, ये C2 है और ये C1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि V2S की वैल्यू क्या होगी, V2S की वैल्यू होगी R, तो यहाँ पर लिखें R प्लस 1 बाई एस सी टू, ये V2S की वैल्यू होगी, डिवाइड बाई V1S की वैल्यू क्या होगी R प्लस 1 बाई एस सी टू डिवाइड बाई वन बाई एस सी वन, वन बाई एस सी टू प्लस वन बाई एस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा, जैसे कि एस आर सी टू प्लस वन डिवाइड बाई एस सी टू, और नीचे आ जाएगा हमारा एस आर सी वन सी टू प्लस एस सी वन सी टू हमने लिया तो एक बार आ जाएगा प्लस सी वन और प्लस सी टू, यानी एस सी वन से एस सी टू से एस सी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा लघुत्तम में जैसे कि एस सी वन सी टू, ये एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ से हम देखें कि आर से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर हम देखें एस सी टू कॉमन लिया तो एस सी वन आ गया, और एस सी वन में से भी हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एस सी वन आ गया है और यहाँ पर एस सी टू आ गया है, तो उसमें से भी हमने एस कॉमन ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें हम तो ये वैल्यू आएगी हमारी, जैसे कि सी वन सी टू की वैल्यू हमें दे रखी है, सी वन सी टू की वैल्यू 100 माइक्रोफेरड है और आर की वैल्यू दे रखी है 10 किलो ओम, इसके अकॉर्डिंग हम लिखे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एस इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 1 डिवाइड बाई, नीचे पूरा आ जाएगा एस आर सी वन सी टू के अकॉर्डिंग, एस आर वन की वैल्यू है यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2, और यही हमारा क्या होगा s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 2 आएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, s प्लस 1 डिवाइड बाई s। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट इन ए रेस्पॉन्स ऑफ, यानी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट इन ए रेस्पॉन्स की पावर माइनस टू टी साइन फाइव टी प्लस कॉस फाइव टी फॉर ए यूनिट इम्पल्स इनपुट, यानी इनपुट भी दे रखा है यहाँ पर, यूनिट इम्पल्स इनपुट दे रखा है, तो डीसी गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम का डीसी गेन हमें निकालना है, तो डीसी गेन निकालने के लिए कंट्रोल सिस्टम कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है यहाँ पर ई की पावर माइनस टू टी साइन फाइव टी कॉस टी, इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें, तो
तो इसका मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स हमें दे रखा है इम्पल्स रेस्पॉन्स का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इम्पल्स इनपुट रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जैसे कि e की पावर माइनस टू टी फाइव टी है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव डिवाइड बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर, एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका हम जैसे कि e की पावर माइनस टू टी कॉस फाइव टी का करें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आएगा एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पहली बात तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन दिया हुआ है और डीसी गेन हमें निकालना है। जब डीसी गेन निकालना हो तो डीसी गेन में क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी डीसी गेन के लिए। अब एस की वैल्यू जीरो होगी तो हम यहाँ पर एस की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा फाइव, आंसर क्या आ जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा फाइव प्लस ये यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, तो ये फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर हमने ले लिया, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी नाइन। सेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी नाइन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर वन थ्री सेवन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखें हम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल टू सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस टू यू विथ यू एज इनपुट एंड वाई एज आउटपुट, यानी यू इनपुट दे रखा है और वाई आउटपुट दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस एस वाई ऑफ एस इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये एस यू ऑफ एस, एस यू ऑफ एस प्लस टू टाइम्स यू एस। तो ये वाई ऑफ एस हमारा आउटपुट हो गया, यू ऑफ एस हमारा इनपुट हो गया, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस, और यही हमसे पूछा है, तो वाई ऑफ एस यू ऑफ एस हम निकालेंगे, तो यह आ जाएगा वाई ऑफ एस आ जाएगा एस प्लस टू और यू ऑफ एस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस एस। जैसे यहाँ पर यूएस को मान लिया तो एस प्लस टू आ गया यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग एस प्लस टू नीचे की साइड से आएगा और वाई ऑफ एस ऊपर की साइड आएगा, यानी वाई ऑफ एस यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, जैसे वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस एस, और इधर हमने यूएस कॉमन ले लिया यानी कि यहाँ पर यूएस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एस प्लस टू। इसका मतलब वाई ऑफ एस यू ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस क्या आ जाएगा एस प्लस टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस, और यही हमारे निकालना था एस प्लस टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि लेट अस कैजुअल एलटीआई सिस्टम कैन बी करेक्टराइज बाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल रेस्ट कंडीशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस सेवन टाइम्स सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस टेन वाई टी इक्वल टू फोर टाइम एक्स टी प्लस फाइव सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी, एक्स टी और वाई टी, एक्स टी यहाँ पर इनपुट की तरह काम करेगा वाई टी यहाँ पर आउटपुट की तरह काम करेगा। इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम और यू टी यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन दे रखा है,
इसका मतलब अगर हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई ट्रांसफर फंक्शन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा, वाई ऑफ एस एक्स ऑफ एस करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पर तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एस एस स्क्वायर वाई एस प्लस सेवन टाइम्स, ये क्या है सेवन टाइम्स वाई एस हो जाएगा, सेवन टाइम्स वाई एस प्लस सेवन टाइम एस वाई एस होगा ये, और प्लस टेन टाइम्स वाई एस, इसी तरीके से x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इक्वल टू फोर टाइम एक्स एस एस एक्स एस, तो इसके अकॉर्डिंग वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस करेंगे तो यहाँ पर वाई एस कॉमन ले लें पहले में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन, यहाँ पर हम एक्स एस कॉमन ले लें इधर की साइड, तो ये हो जाएगा एक्स एस कॉमन लिया तो फोर प्लस फाइव एस, इसका मतलब वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस की वैल्यू आ जाएगी फाइव एस प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन ये आ गई है। अब इसको और कॉम खोलें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू हमारी फाइव एस प्लस फोर, इसे तोड़ दिया हमने एस प्लस टू और एस प्लस सेवन में, एस प्लस टू और एस प्लस फाइव में। अब क्या करते हैं, एक बार अगर ए की वैल्यू है जैसे कि हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम ए डिवाइड बाई एस प्लस टू प्लस b डिवाइड बाई एस प्लस फाइव। अब a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए s इक्वल टू माइनस टू रख देंगे। अब जैसे ही s इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है तो s इक्वल टू माइनस टू रखेंगे, जैसे यहां पर s इक्वल टू माइनस टू तो ये जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस थ्री यहां पर माइनस थ्री आ जाएगा नीचे की साइड, प्लस का थ्री आ जाएगा यहाँ पर, और इधर क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू रखते ही यहाँ पर आ जाएगा माइनस के टेन, माइनस के टेन प्लस के फोर माइनस के सिक्स डिवाइड बाई थ्री तो माइनस के टू, यानी ए की वैल्यू आ गई माइनस के टू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के टू डिवाइड बाई एस प्लस टू। इसी तरीके से बी की वैल्यू हम देखें, बी की वैल्यू के लिए हम लिखते हैं एस इक्वल टू माइनस फाइव, तो एस इक्वल टू माइनस फाइव रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस फाइव रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का तीन, और एस इक्वल टू माइनस फाइव रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के पच्चीस, माइनस के पच्चीस प्लस के चार तो ये हो जाएगा माइनस के इक्कीस, और माइनस के इक्कीस में तीन का भाग देंगे तो सात आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का सात, तो सात डिवाइड बाई एस प्लस फाइव, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू ई की पावर माइनस टू टी यू टी प्लस सेवन ई की पावर माइनस फाइव टी यू टी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टू यानी माइनस टू ई की पावर माइनस टू टी यू टी प्लस सेवन फाइव सेवन ई की पावर माइनस फाइव टी यू टी।